अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा और हम आपको ये बताएंगे भी कि चीन और ताइवान का विवाद क्या है और चीन कैसे ताइवान पर कब्जा करके उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन इसकी शुरुआत हमें एक ताज़ा घटनाक्रम से करनी होगी। हर साल 10 अक्टूबर को ताइवान अपना नेशनल डे मनाता है। इस दिन दुनिया भर में ताइवान के डिप्लोमेट्स अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से देश फिजी में आयोजित किया गया, लेकिन चीन को ये बात पसंद नहीं आई और चीन के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की और ताइवान के डिप्लोमेट्स के साथ हिंसा की और इस हिंसा में घायल ताइवान के एक डिप्लोमेट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद से ताइवान और चीन का विवाद एक बार फिर से विवादों में आ गया। ताइवान के नेशनल डे से ठीक पहले भारत में चीन के दूतावास ने एक नोट जारी करके कहा था कि भारत का मीडिया ताइवान को अलग देश कहकर ना बुलाए और वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन ना करे। और आपको याद होगा ताइवान के नेशनल डे पर वियोन पर एक आधे घंटे का प्रोग्राम चला था ताइवान के नेशनल डे को लेकर, जिस पर चीन ने उस दिन भी आपत्ति जताई थी। लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में प्रेस को पूरी आज़ादी है और तमाम विवादों के बावजूद भारत में अभी मीडिया की आज़ादी बरकरार है और हमें पत्रकारिता का पाठ चीन सिखा नहीं सकता क्योंकि भारत में फ्री प्रेस है। इसलिए आज हम खुलकर चीन के विस्तारवाद की हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया चीन के खिलाफ कैसे एकजुट होती जा रही है। तिब्बत की तरह ताइवान भी चीन की एक दुखती रग है। चीन इन दोनों देशों को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है और पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश भी अब तक वन चाइना पॉलिसी से सहमत रहे हैं। लेकिन अब समय बदलने लगा है और दुनिया चीन के इस दावे पर सवाल उठा रही है क्योंकि चीन बाकी देशों की अखंडता का सम्मान करना अभी तक सीखा नहीं है और भारत के साथ चीन का सीमा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज हम भारत की नहीं ताइवान की बात करेंगे। चीन और ताइवान के विवाद पर अभी दुनिया में तीन तरह के मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है, कुछ कहते हैं चीन ताइवान का हिस्सा है, जबकि कुछ मानते हैं कि चीन एक अलग देश है और ताइवान अलग देश है। ये तीन अलग अलग मत हैं। ताइवान भारत के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी चीन से दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। ताइवान का आकार भारत के केरल राज्य के बराबर है जिसकी जनसंख्या करीब 2,40,00,000 है। बहुत छोटा देश है और इसलिए ताइवान का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। भारत में एक वर्ग किलोमीटर इलाके में औसतन 382 लोग रहते हैं जबकि ताइवान में एक वर्ग किलोमीटर इलाके में 651 लोग रहते हैं। जीडीपी के हिसाब से ताइवान के प्रति व्यक्ति आय 18,82,000 रुपए है जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 7,00,000 रुपए है। यानी ताइवान के लोग चीन के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। ताइवान में लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस मामले में ताइवान यूरोप के भी ज्यादातर देशों से बहुत आगे है और ताइवान की यही समृद्धि चीन के लालच की एक बड़ी वजह है। ताइवान में रहने वाले 95% लोग हान चाइनीज मूल के हैं। चीन में रहने वाले 92% लोग भी इसी मूल के हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि जो ताइवान में लोग रहते हैं और चीन की 92% आबादी एक ही मूल के हैं और यही वजह है कि ताइवान खुद को असली चीन बताता है जबकि चीन का दावा है कि वो असली चीन है और ताइवान उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर चीन के चिंग वंश का शासन था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मेनलैंड चाइना से बड़ी संख्या में प्रवासी ताइवान पहुंचने लगे क्योंकि इन लोगों के लिए अलग अलग कारणों से चीन में जीवन जीना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन वर्ष 1885 में जापान और चीन के बीच हुए पहले युद्ध में जापान की जीत हुई और चिंग वंश ने ताइवान को जापान को सौंप दिया, यानी ताइवान जापान के हिस्से में आ गया और कुछ समय के लिए दुनिया ने ताइवान को भुला दिया। इस दौरान चीन में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया और इसी दौरान वर्ष 1911 में चीन में सन यात-सेन के नेतृत्व में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इस चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य लोकतंत्र, दूसरा मजबूत अर्थव्यवस्था और तीसरा राष्ट्रवाद। यह उस समय चीन की सबसे बड़ी पार्टी थी और इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। इनमें चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे। चीन की स्थानीय भाषा में इसे कोमितांग पार्टी कहा जाता था और कोमितांग का अर्थ होता है राष्ट्रवादी और इसी पार्टी ने चीन का नाम सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा था।
लेकिन इसी दौरान इस राष्ट्रवादी पार्टी से चीन की एक अलग पार्टी बन गई, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस पार्टी से अलग हो गई, यानी इस पार्टी के दो हिस्से हो गए और दोनों हिस्से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसके बाद चीन में राजनीतिक स्थितियां बदलने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ ज़ेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चीन के राष्ट्रवादियों को गृह युद्ध में हरा दिया। माओ से गृह युद्ध हारने के बाद चीन की सेना के एक जनरल जो चीन की राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे वो भागकर ताइवान पहुंच गए। इस जनरल का नाम था चियांग काई शेक। इस जनरल ने ताइवान में कोमितांग पार्टी की अपनी सरकार बनाई और ताइवान पर शासन करने लगे। अब क्योंकि कोमितांग पार्टी ने ही रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी पार्टी से टूटकर निकली थी, इसलिए ताइवान शिफ्ट होने के बाद कोमितांग पार्टी ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि असली रिपब्लिक ऑफ चाइना हम हैं और कहा कि मेनलैंड चाइना इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। यानी इस सिद्धांत के हिसाब से जो ताइवान है वो असली चीन है और जो असली चीन जिसे हम मानते हैं मेनलैंड चाइना वो ताइवान का हिस्सा है। इसी दावे से चिढ़कर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने देश का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक दुनिया भी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को ही असली चीन मानती रही, यहां तक कि सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद में भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही स्थायी सदस्य बनाया गया था, ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो सोचिए यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी चाइना की ही ओरिजिनल मेंबरशिप थी ताइवान के नाम से, यानी ताइवान को मेंबरशिप मिली थी मेनलैंड चाइना को नहीं। लेकिन 1971 में पाकिस्तानियों की मदद से चीन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ और चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चीन मानना शुरू कर दिया और पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया और वो आज भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का बना हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि ये ताइवान के करोड़ों लोगों के साथ धोखा था, लेकिन अमेरिका जैसे देश ने अपने लालच की वजह से ये सब होने दिया। लेकिन जो समय का चक्र है वो ऐसे पलटता है कि देखिए आज वही चाइना और वही अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन की एंट्री यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में करवाई थी। हैरानी की बात यह है कि ताइवान के लोग आज अपने देश के पासपोर्ट पर पूरी दुनिया में तो घूम सकते हैं, लेकिन वो इस पासपोर्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1987 तक ताइवान में भी तानाशाही थी। जैसे चीन में तानाशाही है वैसे ही ताइवान में भी 1987 तक तानाशाही थी। 1987 में जब ताइवान के शासक चियांग काई शेक की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र चियांग चिंग कुओ सत्ता में आए और उन्होंने ताइवान में लोकतंत्र के दरवाजे खोलने शुरू किए। इसके बाद वर्ष 1996 में पहली बार ताइवान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और इन चुनावों में ताइवान की राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी की जीत हुई। कोमितांग पार्टी का मानना है कि पूरे चीन पर ताइवान का अधिकार है, लेकिन आगे चलकर जब ताइवान में विपक्ष मजबूत हुआ तो एक नई पार्टी का उदय हुआ और उस पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी। डीपीपी के पास फिलहाल ताइवान की सत्ता, यानी इस समय ताइवान में इसी डीपीपी पार्टी की सरकार है और ताइवान के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम है साई इंग वेन। लेकिन कोमितांग और डीपीपी की विचारधारा के बीच एक बहुत बुनियादी फर्क यह है कि जहां कोमितांग चीन को अपना हिस्सा मानती है वहीं डीपीपी चीन को एक अलग देश और ताइवान को एक अलग देश मानती है। लेकिन चीन को दोनों ही दावे पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। हालांकि दुनिया के कुछ छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही असली चीन मानते हैं और ताइवान को चाइनीज ताइपे कहकर बुलाते हैं। ये वो नाम है जो चीन ने ताइवान को दिया है। चीन ताइवान को चाइनीज ताइपे कहकर बुलाता है। भारत भी औपचारिक रूप से ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, ये आपको जानने की जरूरत है। भारत भी ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है और इसे चाइनीज ताइपे कहकर ही बुलाता है और वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वन चाइना पॉलिसी की फिर से समीक्षा करने का समय आ गया है।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि हो सकता है भारत जरूर यह मानता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत का प्रेस भी यही माने। और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम भारत में ही यहां खड़े होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताइवान को अलग देश ही होना चाहिए, क्योंकि चीन खुद को तो अखंड चीन के तौर पर दिखाता है लेकिन उसे दूसरे देशों की अखंडता दिखाई नहीं देती। चीन कश्मीर के भी कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। चीन को इस बात पर भी एतराज है कि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर उसे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में क्यों बांट दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग हिस्सों में बांटने का फैसला, ये सब भारत की संसद ने किया था लोकतांत्रिक तरीके से। भारत के लोगों ने किया है, भारत की सरकार ने किया है, भारत की संसद ने किया है, लेकिन भारत की संसद का ये फैसला चीन को मंजूर नहीं है और वो आज भी ये कहता है कि उसे ये फैसला मंजूर नहीं। और सबसे बड़ी बात, फारूक अब्दुल्ला जैसे जो नेता हैं कश्मीर के, वो आज भी ये कहते हैं कि चीन की मदद से वो धारा 370 की दोबारा बहाली करा लेंगे, यानी चीन उनकी मदद करेगा। लेकिन जब कोई ताइवान, लद्दाख और हांगकांग को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर देता है तो चीन को बड़ा बुरा लगता है और चीन आजाद और लोकतांत्रिक देशों की प्रेस को नसीहतें देने लगता है। आपको यह भी याद होगा कि जब भारत के नेता अरुणाचल प्रदेश जाते हैं या जब अमेरिका के राजदूत अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए गए थे तो चीन इस पर सख्त आपत्ति जताता है। वो कहता है कि आपके लोग, आपकी सरकार के लोग अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। आपने ये भी देखा होगा कि चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी पूरी मान्यता देता है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानता है और चीन के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। तब वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। चीन भूल जाता है कि भारत में मीडिया को पूरी आज़ादी है और भारत की मीडिया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर नहीं चलती। और यही बात आज हम यहाँ से उनको बताना चाहते हैं।